अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इंशाअल्लाह आपके साथ कोसला की रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, कैबेज, ठीक है, उसके बाद कैरेट। जितनी क्वांटिटी में आप कैबेज लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी में कैरेट होनी चाहिए। उसके बाद देखें मेन इंग्रेडिएंट्स के मायनीज है, मायनीज ले लिया, आप किसी भी कंपनी के मायनीज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दही है, एक लेमन लिया हमने, नमक, काली मिर्च और ये शुगर और ये खुश पाउडर, मिल्क पाउडर, ठीक है। जो नमक है वो आपने ऑलमोस्ट छोटे स्पून का चौथा हिस्सा लेना है, वैसी काली मिर्च लेनी है, लेकिन जो शुगर है वो आपने जो छोटा स्पून है वो आपने दो डालने, और इसी तरह एक टेबल स्पून जो है ये मिल्क पाउडर का लिया हम लोगों ने। साथ में विनेगर के चंद कतरे डालेंगे इसमें हम चलिए लोग। फिर कोलसा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मॉनिस मैंने डाल दिए बाउल में, उसके बाद ये योगर्ट डालेंगे। अब लेमन को इधर रखते हैं और अब ये जो सारी चीजें हमने ली थी इंग्रीडियंट्स, ये इसमें डालते हैं। अब विनेगर के चंद कतरे डालेंगे हम इसमें। अब लेमन स्क्वीज करेंगे। ये देखिए सीडलेस लेमन। अब हमने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें कैबेज और कैरेट ऐड करते हैं। हमें साथ साथ मिक्स भी कर लेंगे इसको। ओके व्यूवर्स, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें कोई 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद ये सर्व करें। ये आप चिकन ब्रोस्ट के साथ सर्व कर सकते हैं, बारबेक्यू, सी कबाब वगैरह के साथ सर्व करें इसको। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। और प्लस मैंने जो पाउडर, मिल्क पाउडर डाला ना, अगर वो मिल्क पाउडर ना अवेलेबल हो तो आप लिक्विड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।